विधायक रेखचंद जैन जगदलपुर को ग्रामीण इलाकों से जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछाना चाहते हैं। जैन का मानना है कि जितनी ज्यादा सड़कें होंगी लोगों को उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पंचायतों में विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद्र जैन कई सड़कों का निर्माण करवा रहे हैं। अब नगरनार से भेजा पदर सड़क निर्माण एवं डामरीकरण का कार्य का भूमि पूजन जैन ने किया है। इस अवसर पर रेखचंद्र जैन ने ग्रामवासियों से कहा है कि आपने मुझे अपना सेवक बनाया है, मैं खरा उतरने का कार्य करूंगा और इस क्षेत्र के उन्नति और विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगा तथा भूपेश सरकार की योजना और उनके मंशानुरूप अपने क्षेत्र के पंचायत स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक विकास के लिए कृतसंकल्पित रहूंगा। जैन ने कहा कि सड़कें विकास की जीवन रेखा होती है। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के डामीकरण और नई सड़कों के निर्माण में लोगों को परेशानी से निजात मिलेगी। कोई इलेक्ट्रिक का काम सीखेगा, कोई नल बनाने का काम सीखेगा तो हमारा बच्चा लोग जब डिप्लोमा ले लेगा उसको नौकरी भी रोजगार भी मिल जाएगा। उसके लिए फिर सरकारी तरीके से लोन वोन दे के तुम अपना जीवन को अच्छा जी लो, क्योंकि नौकरी हर किसी को नहीं मिल पा रहा है। कारण क्या है, बहुत सारा लोग पढ़ के आ गया है, जो अच्छा नंबर ला रहा है वो पहले नौकरी में आ जा रहा है, कम नंबर वाले को भी रोजगार देना है। इसीलिए हम ITI नगरनार में आज शुरू कर रहे हैं। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी का कितना अच्छा मन है बस्तर के लिए, नगरनार के लिए। आज मैं अभी आया हूँ, इसका भूमि पूजन कर रहा हूँ, एक काम शुरू हो गया, अभी ITI का स्कूल भी खुल जा रहा है, आज से उसका फीता काटेंगे। हमारा बच्चा लोग पढ़ा लिखा 10वीं 12वीं बच्चा लोग ITI में ट्रेनिंग करेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।